नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से म्यूजिकल मैच चैनल पर, जहां पर मैं आपके साथ म्यूजिक की कुछ बातें शेयर करता हूं। और हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सर्किल ऑफ फिफ्थ कैसे बनाते हैं। दो सर्किल हमने बनाए थे, बाहर वाले पे कैपिटल में हमने फिफ्थ लिखे थे, सी का फिफ्थ जी, जी का फिफ्थ डी, डी का फिफ्थ ए। फिफ्थ का मतलब है कि सी मेजर स्केल में जो फिफ्थ नोट है वो है जी, जी मेजर स्केल में जो फिफ्थ नोट है वो डी, सेम माइनर स्केल में भी है सी, माइनर स्केल में जो फिफ्थ नोट है जी। यानी कि फिफ्थ जो है वो काफी सपोर्टिंग साउंड होता है जो रूट नोट होती है उसके। तो सी का जी, जी का डी, डी का ए, ई, बी, इस तरह से हमने पूरा सर्किल बनाया था। और हमने जो अंदर वाला सर्किल है उसमें सी के साथ में स्मॉल ए लिख करके उन सब के फिर फिफ्थ हमने लिख दिए थे, ठीक है। और हमने जो इधर जो थे ये शार्प लिखे थे हमने, शार्प 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 शार्प, और इधर जो हमने थे वो इनको डिनोट किया था फ्लैट 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 फ्लैट, ठीक है। तो चलो, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हो अपना जो म्यूजिकल एक्सपीरियंस है उसको बढ़ाने के लिए, और म्यूजिक को और अच्छी तरह डीपली सीखने के लिए, एक दूसरे नोट्स का जो क्या रिलेशन है वो सब समझने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहला मैं एप्लीकेशन आपको बताता हूँ कि आप किसी भी कोई सा भी स्केल जो है वो इससे पता लगा सकते हो, आप उसको फॉर्मुलेट कर सकते हो इससे, ठीक है। मेजर और माइनर स्केल तो आप बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हो, तो मैं शुरुआत करता हूँ मेजर स्केल से ही, ठीक है। आपको मेजर और माइनर स्केल आपको जो है वो इस सर्किल से मैं आज आपको निकालना सिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो अगेन हम स्टार्टिंग करेंगे सी मेजर स्केल से ही। तो सी मेजर स्केल देखो, सबसे पहले मैं यहां पे लिख लेता हूं, अपने को पता है कि सी मेजर स्केल क्या होता है। सी मेजर स्केल में कौन कौन सी नोट होती है, सी होती है, उसके बाद में डी, उसके बाद में ई, उसके बाद में एफ, उसके बाद में जी, उसके बाद में ए, उसके बाद में बी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 नोट हो गई है, ठीक है ना। तो अभी देखो, स्केल निकालने के लिए आप ये स्मॉल में है, कैपिटल में है, ये सब चीजें आप थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए, ठीक है। उस चीज को भूल जाइए, आप सपोज कीजिए कि सबके सब कैपिटल में है या सबके सब स्मॉल में है, सभी सेम है, इस सी में और इस सी में कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। स्केल निकालने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, आपको करना क्या है, सी मेजर स्केल देखो, सी मेजर स्केल फर्स्ट नोट है सी, तो सी को मैं यहां पे क्या कर देता हूं, इस पे एक स्क्वायर बना देता हूं, ठीक है ना। उसके बाद में सेकंड नोट है डी, तो डी यहां पे देखिए, जो डी है उसको मैं स्क्वायर बना देता हूं। उसके बाद में नोट है ई, ई देखिए यहां पर है, उसको मैं स्क्वायर बना देता हूं। ई के बाद में है एफ, और एफ को मैं यहां पर स्क्वायर कर देता हूं। एफ के बाद में है जी, जी का मैंने यहां कर दिया स्क्वायर। जी के बाद में है ए, ए का मैंने यहां पे कर दिया स्क्वायर, और ए के बाद में है बी, और बी ये रहा, तो बी का कर दिया मैंने स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, आपको कमाल एक यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि जो सी मेजर स्केल में जितने भी नोट्स है वो सबके सब पास में है। अगर आप देखें तो ये एक तरह का, इस तरह का जो है डिजाइन आपको मिल गया है यहां से, तो देखो सी मेजर स्केल के अंदर ये सबके सब नोट्स है, सी डी ई एफ जी ए और बी, इस तरह से हमने सी मेजर स्केल निकाल लिया। अब देखो, आपको किसी भी स्केल, किसी भी नोट का अगर आपको मेजर स्केल निकालना है तो आपको करना क्या है, ये जो सेम रिलेशनशिप है वो लगा देनी है। मान लीजिए आपको सी मेजर स्केल निकालना है तो बड़े वाले सर्किल में सी ढूंढो, ये रहा सी, उसके दोनों तरफ जो नोट्स हैं एफ और जी वो दोनों उस स्केल में है ही है, मेजर स्केल में है। उसके जो नीचे वाली है वो भी उस मेजर स्केल में है, और नीचे वाली की जो दोनों साइड वाली हैं लेफ्ट और राइट वाली वो भी सी मेजर स्केल में है, और राइट में जो सेकेंड वाली नोट है वो भी उस मेजर स्केल के अंदर है। यानी कि आउटर सर्किल में आप उस नोट को ढूंढिए, उसके बाद में उसके दोनों तरफ वाली उस स्केल में है, उसके बाद में उसके जो इनर सर्किल में जो नोट लिखा हुआ है वो भी उस मेजर स्केल में है, उसके दोनों तरफ लेफ्ट और राइट वाली नोट भी सी मेजर स्केल में है, और जो इनर सर्किल में इसके इक्वलेंट में यानी कि ए है, तो ए से राइट में भी जो सेकेंड वाली नोट है वो भी सी मेजर स्केल में है। तो चलिए, इसी रिलेशनशिप को निकाल करके, इसी रिलेशनशिप की हेल्प से हम अभी निकालते हैं ई मेजर स्केल, ठीक है। तो यहां मैंने लिख दिया ई मेजर,
अभी मुझे नहीं पता है कि ई मेजर स्केल में कौन कौन सी नोट्स होती है, यहाँ पे तो मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे निकाल ली थी। आप पहले फॉर्मूले से ई मेजर स्केल निकालिए, उसके बाद में मैच करना जो मैं यहाँ पे लिख करके दे रहा हूँ। तो ई मेजर स्केल, ई कहाँ पर है, हमने आउटर सर्किल में इसको यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, तो पहली नोट आ गई ई। उसके बाद में सेकेंड नोट कौन सी है वो भी अपने को नहीं पता, वो अभी हम अरेंज कर लेंगे, ठीक है ना। मैं यहाँ पे पहले रफली लिख देता हूँ, ई के दोनों तरफ वाली, लेफ्ट और राइट वाली, वो भी इसमें है, यानी कि ए और बी, ये नोट भी ई मेजर स्केल में। उसके बाद में ई के बराबर में अंदर वाले सर्किल में कौन सी नोट लिखी है यहाँ पे, सी शार्प। तो सी शार्प भी जो है वो ई मेजर स्केल के अंदर है। सी शार्प से लेफ्ट और राइट में जो दोनों नोट है वो भी ई मेजर स्केल के अंदर है, यानी कि एफ शार्प, और इधर कौन सी है, जी शार्प। मैं इसको कर देता हूं स्क्वायर। एक दो तीन चार पांच छह नोट अपने को मिल गई है, और मेजर स्केल में टोटल सात नोट होती है। तो सातवीं नोट कौन सी है, यहाँ पे देखिए, सी के नीचे था ए, और ए से हमने राइट में जो है दोनों नोट लिखी थी। यहाँ पे ई आपको इधर से खड़े होके, अगर आप इधर से खड़े होके देख रहे थे तो ए के जो राइट में सेकंड वाली नोट थी वो भी सी मेजर स्केल में थी। तो अभी आपको इधर से देखना है, वो इधर से जब आप देखेंगे तो ई के बराबर में अंदर में है सी शार्प, और सी शार्प से सेकंड नंबर वाली है वन और टू, यानी कि आप या तो ई फ्लैट लिख सकते हो या फिर डी शार्प। तो अभी हम इसको यहाँ पर डी शार्प लिख देंगे, तो हमने डी शार्प लिख दिया, ठीक है ना। तो अभी देखिए कितनी नोट हो गई, एक दो तीन चार पांच छह सात, और इसका जो फिगर है वो हम बना लेते हैं, सेम इसी तरह का आएगा इसको, जस्ट अब हम अरेंज कर लेते हैं। ई ई के बाद में कौन सी नोट आएगी, यहाँ पे देखिए एफ शार्प, एफ शार्प के बाद में कौन सी आएगी, कौन सी आएगी बताइए, ए सॉरी जी शार्प, जी शार्प के बाद में कौन सी नोट आएगी, ए, ए के बाद में आएगी बी, बी के बाद में सी शार्प, सी शार्प के बाद में डी शार्प, ठीक है। यानी कि एक दो तीन चार शार्प है इसके अंदर। तो इस तरह से हमने देख लिया कि किस तरह से आप कोई सा भी मेजर स्केल निकाल सकते हो। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से सर्किल ऑफ फिफ्थ से माइनर स्केल निकाल सकते हो किसी भी नोट का। आपने देख लिया कि मेजर स्केल निकाली जाती है इस तरीके से, और माइनर स्केल के लिए सीधा सा फंडा है, आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको मेजर स्केल निकालना आ गया सर्किल ऑफ फिफ्थ से, तो आपको बस यही करना है, आपको पता होना चाहिए कि इस मेजर स्केल का रिलेटिव माइनर स्केल यह है। फॉर एग्जाम्पल रिलेटिव माइनर, रिलेटिव स्केल्स क्या होते हैं उसके बारे में आपको पहले बता देता हूँ, हालांकि मैंने इसका वीडियो पहले ही बनाया। बट देखिए सी मेजर स्केल के अंदर कौन कौन सी नोट्स होती है, यहां तक सी मेजर स्केल के अंदर नोट्स होते हैं सी डी ई एफ जी ए और बी। और ए माइनर स्केल के अंदर कौन कौन सी नोट होती है, ए बी सी डी ई एफ जी, ए से लेकर के जी तक, और सी मेजर स्केल में सी से लेकर के बी तक। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि ये सभी नोट्स जो सी से लेकर के बी तक या फिर ए से लेकर के जी तक, सीक्वेंस छोड़ दीजिए, सीक्वेंस की बात अलग है, लेकिन नोट्स वही सेम है। सी इसमें भी है, इसमें भी है, डी भी दोनों में है, ई भी दोनों में, एफ भी दोनों में, जी भी दोनों में, ए भी दोनों में, और बी भी दोनों में है। तो इसका मतलब है कि सी मेजर स्केल का जो रिलेटिव माइनर स्केल है वो है ए माइनर स्केल। और इन दोनों में सेम नोट्स है। तो जब सेम नोट्स है, आपने जब सी मेजर स्केल निकाल लिया है, सी मेजर स्केल के अंदर सी डी एफ जी ए बी, यहाँ पे देखिए इस स्ट्रक्चर के अंदर, तो आप ए माइनर स्केल तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि ए माइनर स्केल में भी तो सेम वही नोट्स है जो कि सी मेजर स्केल में है। तो आप, अब आपका क्वेश्चन होगा कि सी का तो चलिए पता लग गया हमें कि जो सी का जो रिलेटिव माइनर है वो ए माइनर है, क्योंकि मैं हमेशा इनके बारे में बताता आ रहा हूँ। बट फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी ने बोल दिया आपको कि आप एफ शार्प माइनर स्केल निकालिए, तो एफ शार्प माइनर स्केल आप कैसे निकाल सकते हो। सर्किल और फिफ्थ की खास बात यह है
कि इसमें जो रिलेटिव माइनर और मेजर है वो दोनों एक ही लाइन में, एक लाइन का मतलब कि देखिए सी है यहां पर, ये सी है यहां पर, सी से आप आए ए पे, ए से फिर आ गए यहां पे सेंटर में, यानी कि ये एक ही लाइन में है ए और सी। तो बाहर वाला जो है वो मेजर स्केल और अंदर वाला जो है वो माइनर स्केल। सी मेजर स्केल में सेम वही नोट्स है जो कि ए माइनर स्केल में है, तो आपको सी मेजर स्केल निकालना आ गया तो आप ए माइनर स्केल भी लिख सकते हो। उसी तरह से अभी हमने ई मेजर स्केल निकाला था, उसमें नोट्स हमने लिखी थी ए बी एफ शार्प सी शार्प जी शार्प और यहाँ पे ई फ्लैट है डी शार्प। तो ई का रिलेटिव माइनर है वो है सी शार्प माइनर स्केल, और सी शार्प माइनर स्केल में भी वही सेम नोट्स है जो कि ई मेजर स्केल के अंदर है, और अगर आपने ई मेजर स्केल निकाल लिया तो आप सी शार्प माइनर स्केल भी बहुत आसानी से लिख सकते हो। तो आप इस तरह से सभी 12 नोट्स का जो है माइनर स्केल निकाल सकते हो, और मैं कहता हूं कि आप प्रैक्टिस करना इस चीज की। तो दोस्तों बहुत ही ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको मेजर और माइनर स्केल निकालना आना चाहिए सर्किल ऑफ फिफ्थ से। मैं चाह रहा था कि दो वीडियो में इस जो सीरीज को है जो सर्किल ऑफ फिफ्थ वाली, इसको मैं कवर कर दूं म्यूजिक थ्योरी के अंदर, बट ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मैं आपको बता दूंगा तो आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो अभी मैं इस वीडियो को इतना ही रहने देता हूँ, उसके बाद में अगले वीडियो में भी मैं सर्किल ऑफ फिफ्थ का ही टॉपिक लेकर के आऊंगा, ठीक है ना? जब भी मतलब म्यूजिक थ्योरी का वीडियो आएगा तब मैं सर्किल ऑफ फिफ्थ ही लेकर के आऊंगा उसमें, और उसमें बताऊंगा कि और क्या क्या इसके एप्लीकेशन है, क्या क्या फायदे हैं। आप देखते रहिए म्यूजिकल महेश चैनल, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय।